हे आशा लगी प्रभु तेरी, तेरे बिन मेरा कोई नहीं है। एक सब दूसरे के सहारे, मेरा कोई सहारा नहीं है। जिंदगी व्यर्थ नारी नरकी, जिंदगी व्यर्थ नारी नरकी, जो कि बनता तुम्हारा नहीं है। अंधेरा अंधेरा दूरी कर दे।
यहाँ का अंधेरा कभी आए दोबारा नहीं है। जो हम आप लोगों के समक्ष एक छोटी सी कथा लेकर के चल रहे हैं भागवत में से, जिस समय भगवान योगी राज कृष्ण अपनी बाल लीलाओं को दर्शाते हैं, अंत में इधर कंस राज को बड़ी चिंता लगी हुई है कि हमारा काल अभी तलक जीवित है। हुआ ये, कंस जो था वो केसी के पास पहुंचा है और जब केसी के पास पहुंचा और कहने लगा, भैया तुम एक काम कर दो हमारा। बोला है वो कंस कि बोला भैया दिन बदल गया और अब रहा न को इचारा है। किसी से कहने लगा, बोला भैया दिन बदल गया अब रावण कोई चारा है। इस जीवन को इन प्राणों को इस जीवन को इन प्राणों को केसी के पास और कहने लगा, भैया अब तुम्हारे अलावा हमारा कोई नहीं है। केसी कहने लगा, इतनी जल्दी तुम क्यों घबरा गए हो? सच ये है, घबराओ नहीं। अरे तुम कहना क्या चाहते हो? जवाब दिया, ऐसा करो किसी तरीके से छल से बल से कृष्ण कन्हैया को और बलराम को मार करके आओ, तब हम तुम्हारी बहादुरी समझेंगे। अंत में हुआ ये, केसी जिस समय घोड़ा बन करके जाता है भगवान कन्हैया के हाथों से, उसका उद्धार होता है। बोलिए गोविंद भगवान की। समय धीरे धीरे गुजरता चला गया, जब केसी भी लौट करके नहीं आया, और जब केसी लौट करके नहीं आया, इधर कंसराज के पास में ब्रह्मा पुत्र नारद जी का आना हुआ, और जब ऋषि नारद का आना हुआ और ऋषि नारद को जब आते हुए देखा है तो बड़े सुंदर से आसन पर कंसराज ने बैठा लिया। सब महात्माओं से ज्यादा यानी प्रेम कंस जो था वो ऋषि नारद से करता था, और ऋषि नारद को जब सुंदर आसन पर बैठा ला तो ऋषि नारद ने कंस की तरफ देखा तो ऋषि नारद कहने लगे, हे भोजराज कंस, जब भी हम तुम्हारे दरबार में आते थे तब तुम मुस्कुराते हुए नजर आते थे, लेकिन आज कारण क्या है जो तुम्हारे चेहरा ये कुमलिया क्यों ना है? और ऋषि नारद बोले कि ओ कंस राज दिन दिन तेरी और क्यों दशा बदलती जाती है, पर भी नहीं बसंत के खिलने पर
पढ़ती जाती है। दरबार में आते थे तब मुस्कुराते हुए नजर आते थे, लेकिन अब तो तुम्हारा चेहरा भी कुमलिया गया है, आखिर बात क्या है? कंसराज कहने लगा, बाबा नारद, अरे तुम्हें नहीं मालूम मैंने बड़े बड़े दानवों को भेजा, लेकिन कन्हैया और बलराम नहीं मारे गए। ऋषि नारद कहने लगे, भोजराज कंस, दोष तुम्हारा नहीं, क्योंकि दोष तुम्हारा इसलिए नहीं है, तुम्हारे सर पर मौत मोबाए खड़ी है। अगर हम कहें तो मान सकते हो? बोले क्यों नहीं। ऐसा करो, तुम अपने घर में धनुष यज्ञ रचाओ, और धनुष यज्ञ रचाने के बाद भगवान कन्हैया को और बलराम को यहां पर बुलवा लो धोखा से। सच यह है, जब तुम्हारे यहां आ जाएं तो उन दोनों को जान से मार देना, यह तुम्हारा काम है। इतने शब्द सुनने के बाद भोजराज कंस जो था वो सोचने लगा, अकल तो बहुत अच्छी बताई है। ऋषि नारद समझाने के बाद वहां से चले जाते हैं, तो आज भोजराज कंस अक्रूर के पास पहुंचा और कहने लगा, अक्रूर भैया एक काम करो, तुम इस मथुरा से वृंदावन के लिए चले जाओ और कन्हैया और बलराम को बुला करके हमारे पास ले आओ। बोले क्यों? जवाब दिया, मैं तुम्हें भेज रहा हूं कन्हैया और बलराम को यहां पर किसी तरीके से बुला करके ले आओ। अक्रूर जी कहने लगे, हे भोजराज कंस, मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं जाने के लिए मना तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन यदि भगवान कन्हैया और बलराम अगर ये मथुरा में आ गए तो क्या होगा? अरे होगा, बोले किले के लिए मेरा निश्चय है और मथुरा मोहन की तेरी है। सुदामा भैया, आज अक्रूर जी कंस को समझा रहे हैं, लेकिन ये मेरा निश्चय है हम मथुरा मोहन की देरी है, पर मौत तुम्हारे सर पे है, तुम्हारे सर पे है मथुरा मोहन की देवी है। भगवान कन्हैया के आने की देरी है, मगर तुम्हारी मौत की देरी नहीं है। भोजराज कंस कहने लगा, अरे तुम्हें इन बातों से क्या लेना देना है? अरे मैं तुम्हें मथुरा से वृंदावन के लिए भेज रहा हूं और
तुम यहां से चले जाओ। अक्रूर जी जो थे वो वहां से चलने के लिए तैयार हुए हैं। याद रखना साथियों, जिस समय ये वृंदावन के करीब पहुंचे हैं, आह हुआ क्या रे हो ना क्या था, अरे वृंदावन पहुंचे जाए रे कैसा माहौल गई आई, समय वृंदावन में पहुंचे हैं साथियों, वृंदावन पहुंचे जाए रे कैसा मोहन भयो, और नंद बाबा ने घात को है लो है कंठ लगाई, पहुंचे हैं तो बाबा नंद ने जैसे ही अक्रूर जी को देखा है तो हृदय से लगाया है रवि भैया और बोले हैं, बाबा नंद ऐसे ही अक्रूर जी को देखा है। आज बाबा नंद ने हृदय से लगाया है और कहा है, अरे भैया आज 7 बरस के बाद आना हुआ है। सच ये है आज कैसे आना हुआ। उसी समय अक्रूर जी कहने लगे, देखो आए तो हैं, हम अच्छे के लिए नहीं आए, मतलब अरे मतलब ये है कंसराज ने कन्हैया और बलराम को बुलाया है, कन्हैया और बलराम को बुलाया है, बाद में हमसे ये मत कहना कि अच्छे के लिए बुलाया है, उसने अच्छे के लिए नहीं बुलाया है। सच ये है तब तक भगवान कन्हैया आ गए, मेरे भैया जब भगवान कन्हैया आ गए और अक्रूर जी से पूछने लगे, कहो चाचा मथुरा में सब कुशल है, बोले हे श्याम सुंदर जब से मैंने वृंदावन में कदम रखा है तब से कुशल ही कुशल है, लेकिन भगवान कन्हैया ने अक्रूर जी से एक बात कही, एक बात हमें ये बता दो, कि कहिए किस तरह कंस मामा और जनता से प्रेम निभाता है, कहते हैं
कहा है आपका और कंस का स्वभाव कैसे मिल जाता है। उसी समय अक्रूर जी कहने लगे, कन्हैया कंसराज की हर बात में जी हजूर करते करते हमारे जीव में छाले पड़ चुके हैं। अगर कंस आम से बबूल कहलाता है तो मुझे कहना पड़ता है। सच ये है, हे कन्हैया तुम चलो उस अभागे कंस का वध करो। याद रखना भाइयों, रात भर लेट करके यदवंशियों ने विश्राम किया है, सुबेरा जब हुआ है तो बाबा नंद सभी ग्वाल वाल चलने के लिए तैयार हुए हैं। और जब चलने के लिए तैयार हुए हैं तो मैया यशोदा ने जैसे ही कन्हैया को जाते हुए देखा, आगे को बड़ी मन ही मन में सोचने लगी, आज हमारा श्याम सुंदर हमारी गोदी से जा रहा है। तुरंत ही दौड़ करके आई और कहने लगी, हे मुरलीधर तुम जा रहे हो? हाँ मैया मैं जा रहा हूं। तो मैया यशोदा कहने लगी, लाला मेरी बात सुन ले, के मोए पीठी दिखाए जाता और लला ने कहे से मुख श्याम सुंदर से, आदत है तुम्हें कलेऊ की मां कल मिश्री लेते जाइयो, और भूखल लगे जब रास्ता में तब श्याम प्रेम से खइयो से। समय भगवान कन्हैया कहने लगे, मैया तुमने मेरे साथ में क्या नहीं किया, भला तुमने क्या नहीं किया? सच ये है मां, चलते बाप हम अपने शरीर से तुम्हारे लिए चमड़े की जूतियां भी बनवा दे मां, लेकिन तुम्हारे ऋण से औरन नहीं हो सकता हूं। और भगवान कन्हैया बोले, मां दिन रात गिराने उलाने सहे कौनने कने थोरता धारे हमारी हटे कयने कसुनी इतनी सुन सके न मात्र पुदानी। Thank you.
यशोदा को समझाने के बाद भगवान योगीराज कृष्ण आगे को बढ़े हैं बाबा नंद के साथ में। तब तक उस प्रेम दीवानी राधा ने पहचान लिया कि हमारे मुरलीधर जा रहे हैं। उसी समय रास्ता को घेर करके राधा ही नहीं बल्कि ललता विशाखा शीला साधना जितनी भी सखियां थी वो भगवान कन्हैया के रथ को घेर करके खड़ी हो गई। और राधा कहने लगी मुरलीधर से, हे श्याम सुंदर एक बात हमें ये बताओ कि चोरा चोरी जल्दी बड़े चोरी, चोरा चोरी जल्दी बड़े चोरी, कुछ पता जो पता चल दिए यो यही रंग बता दे चुपा समय। राधा कहने लगी हे श्याम सुंदर मैंने ये नहीं समझा था कि तुम हमसे चुपचाप छिपके जा रहे हो, अरे हमें तुमने कोई बात भी नहीं बताई हो तुम मथुरा के लिए जाने लगे, भला हमने कोई ऐसा गलत काम तो नहीं किया तुम्हारे साथ में, और शायद तुम ये नहीं जानते हो तुम्हारे बगैर भला मैं कैसे रह सकती हूँ। मेरी बात सुनो कन्हैया, कन्हैया मैंने तुमसे प्रेम किया है, हित किया है, मैंने कोई बेईमानी नहीं की है, और भाइयों प्रेम वो शक्ति रखता है जो हर दीवार को तोड़ सकता है। लिखा तो यहाँ तक है अरे प्रेम बुरी जंजीर है, अरे वीर तुम झूठ मत ही जानो, अरे प्रेम बुरी जंजीर वीर तुम झूठ मत ही जानो, सबुरी भी मानी जाना रे हमेशा दिल पे दिल धर के, अरे हमेशा दिल पे दिल धर के, और बुद्धि करे न काम कले जो बिन प्रेमी तड़फे रे, हराम खाना पीना हो बे और दिन में परे न चैन रात को नींद ना मुरलीधर। अगर मैं इस बात को पहले से जान लेती तो तुमसे हित नहीं करती, प्रेम नहीं करती। भगवान कन्हैया कहने लगे राधा इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं, तुम्हें नहीं मालूम मामा कंसराज ने धनुष यज्ञ रचा है, मैं निमंत्रण में जा रहा हूं, कल के बाद परसों तक तुम्हारे पास आ जाऊंगा, परसों में तुम्हारे पास आ जाऊंगा। और भगवान कन्हैया बोले हैं राधा दिल में धर ले धीर मैं पर सोही लौट के आऊं, राधा
आर्य जो हमें पुरस्कार दिया था, जिन्होंने कहा है समय भगवान के नहीं आ चलने के लिए तैयार हुए हैं, प्रेम दीवानी राधा ने घेर लिया और कहा ऐसे हम सुंदर, अगर मैं इस बात को पहले से जान लेती तो तुमसे प्रेम नहीं करती, हित नहीं करती। सच ये है मुरलीधर, तुम कहां के लिए जा रहे हो? भगवान कन्हैया कहने लगे, तुम्हें नहीं मालूम मामा कंस के यहाँ धनुष यज्ञ है, मैं निमंत्रण में जा रहा हूं। उसी समय राधा कहने लगी, हे मुरलीधर, मैंने ये नहीं समझा था कि तुम इतना लंबा धोखा दे करके हमारे नेत्रों से ओझल हो जाओगे। अरे मतलब ये है, तुमने कोई खबर भी नहीं दी और तुम मथुरा के लिए जाने लगे। उसी समय बलराम ने आगे बढ़कर के समझाया है राधा को, यानी सभी ग्वाल वालों ने समझाया, बाबा नंद ने समझाया,
राधा कहने लगी, हे मुरलीधर, ऐसे तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, क्योंकि मैंने तुमसे प्रेम किया है, हित किया है, कोई चोरी नहीं की है। उसी समय भगवान कन्हैया कहने लगे, राधा घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, कल के बाद मैं परसों तुम्हारे पास आ जाऊंगा। समझाने के बाद भगवान योगी राज कृष्ण आगे को बढ़े, और जब रथ आगे को बढ़ने लगा और जब आगे को बढ़ता हुआ चला गया, सभी सखियां गोपियां देख रही हैं कि अब भगवान कन्हैया लौट करके नहीं आएंगे। जिस समय रथ की धूल भी नजर नहीं आती है भगवत प्रेमियों, उसी समय सभी सखियां कहने लगी कि सबरिया अब रथ चलो गो से श्याम सुंदर हमारे नेत्रों से हमें धोखा दे करके ओझल हो जाएंगे। अरे जो हम ये है जनती की धूल भी नजर नहीं आई है, उसी समय सभी सखियां समझाने लगी हैं राधा को, राधा पागल मत बनो, अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो भगवान कन्हैया तुम्हारे पास अवश्य आएंगे। लेकिन भैया हुआ ऐसा, जब रथ की धूल भी नजर नहीं आई तो राधा पछाड़ खा के गिर गई, और जब पछाड़ खा के गिर गई है भाइयों, हुआ क्या, सखियां सभी समझा रही हैं राधा पागल मत बनो राधा। जब राधा को खड़ा किया है और जवाब दिया है, बहना क्यों रो रही हो, करिया कवाहू पहनाए हुए रवि भैया, और समझाए कि सखियां बोली राधा के, बहना करिया न अपने हो बे इन पे काहे को दे रही जान। समझा रही है राधा मेरी बात सुनो, अरे करिया करिया बनती कटारी
सोच रहे होंगे भला कालों ने इनकी क्या जागीर छिना ली है जो शास्त्री जी काले से बड़ी घृणा करते हैं है? लेकिन कारण उसमें ये है, अरे करिया है न्यू ब्रजेश को बाजा, यानी हमारे बाजा का भी रंग काला है। करिया है न्यू ब्रजेश को बाजा, बन बैठो सब बाजन को राजा, ग्राम नदौरा के एक करिया है रवि की ढोलक, महफिल में जब फटाफट बोलक दी, रखना भाइयों। आज भगवान कन्हैया समझाने के बाद वहां से चले जाते हैं, जिस समय भोजराज कंस के बगीचा में जाकर के बाबा नंद बलराम भैया कन्हैया जिस समय वहां पर रुकते हैं, तो भगवान कन्हैया ने कहा है, बाबा एक बात हमें ये बताओ, ये नगर कौन सा है? अरे मैं देख रहा हूं ये देखने में बड़ा सुंदर लगता है। बाबा नंद ने समझाया, यही तो मथुरा है। क्या यही मथुरा है? अरे दूर से देखने में बड़ा सुंदर लगता है बाबा, तुम मुझे आज्ञा दे दो तो मैं मथुरा नगरिया को देख करके आऊं। बाबा नंद कहने लगे, नहीं श्याम सुंदर, ये वृंदावन नहीं है, ये मथुरा है। मथुरा इसमें बड़े झगड़ालू लोग रहते हैं, बगैर लड़ाई के झगड़ा करने लगते हैं, सच ये है, तुम कहीं मत जाओ। भगवान कन्हैया कहने लगे, बाबा मेरी बात सुनो, दूरी ही दूरी से हरे बाबा जी मैं नगर देख कर आपकी खाए रहे हैं हम।
जवाब दिया है घबराओ नहीं बाबा, ये नगर तो मुझे बहुत जरूरी है देखना। उसी समय बाबा नंद ने कहा है, कोई बात नहीं बलराम, ये तो वैसे हूं अटीला है, ऐसा करो ये अकेला जाएगा तो ये वास्तव में झगड़ा करेगा, इसलिए सभी ग्वाल बाल साथ में जाओ। उसी समय बलराम भैया मनसुखा दामा संकीन छदामी बलवीर जितने भी ग्वाल बाल थे वो भगवान कन्हैया के साथ में आगे को बढ़े, और आगे को जब बढ़े हैं तो भगवान कन्हैया ने जब आगे को बढ़ते हुए जा रहे हैं मथुरा की गलियों में जहां पर बिछौना पड़े हैं, वृक्ष झूम रहे हैं, भमरा किलोरे कर रहे हैं, महलों को देखते हुए जा रहे हैं कि बड़ा सुंदर ये मथुरा है आहा, और जब आगे को ही बढ़ते चले गए तो उस मथुरा की गली में भोजराज कंस का धोबी जो था वो शराब पिए बिल्कुल मस्त चलो आए, पुटरिया सर पे रखे रहा और पूरी गली में लल्ला रवि बोई बने, हाँ इतने से जोका ले जाए बालंग हो जाए है? हुआ ये भगवान कन्हैया धोबी से कहने लगे, अरे धोबी भैया एक काम करो, बोले हट जा हमारी रास्ता से, तूने हमारी रास्ता को क्यों घेर लिया, शायद तुझे ये नहीं मालूम है ये भोजराज कंस का शासन है, और शराब के नशा में धोबी बोला कि मेरी रास्ता को छोड़ दे। भगवान कन्हैया कहने लगे, धोबी भैया वैसे तो हम कंस के मेहमान हैं लेकिन वस्त्रों से बड़े परेशान हैं, अगर तुम्हारी थोड़ी मेहरबानी तुम्हारी कृपा हो जाए तो जामे से कछु वस्त्र हमें दे दो जो हम पहन लें मामा के यहां चले जाएं। उसी समय कंस का धोबी कहने लगा, वाह भाई वाह, राजा के कपड़ा पहनने के लायक तेरा मुंह है, अरे कभी शीशा में तूने मुंह देखा, अरे हट जा पीछे। और वो धोबी बोला कमल की अगर जरूरत है तो ढूंढो किसी गड़लिए को। भोजराज कंस का धोबी बोला, हट जा मेरी रास्ता को छोड़ दे, मैंने क्या कहा, नशा में बोलो राजा के कपड़ा पहनने के लायक तेरा मुंह है। भगवान कन्हैया कहने लगे, धोबी भैया मेरी बात सुन ले, शायद तुम मुझे पहचानते नहीं हो, सच ये है इसमें से वस्त्र हमें दे दो। जवाब दिया, तू कहां रहता, जवाब दिया मैं वृंदावन में रहता हूं, मेरा ही नाम तो कन्हैया है, जो कन्हैया को ना सुनो तो धोबी बोलो नशा में, ओ झोपड़ियों के बछने वाले और मथुरा में सभी
का शासन है, ये मथुरा नगरा है, ये मथुरा नगरिया है। और भगवान कन्हैया कहने लगे धोबी भैया अब हम समझ गए लातन की देवी को हम बातन से मानती ना है। भगवान कन्हैया बोले लगे मैं सीधी सादी बात कर रहा हूं और तू कुफर बोल रहा है। आगे बढ़कर के भगवान योगी राज कंस ने उस धोबी के गाल में तमाचा मार दिया, और जब तमाचा मार दिया तो उसका सर कट करके जमीन पर गिर गया। उसी समय धोबी तो खत्म हो गया, ये धोबी वही था जिसने त्रेता में सीता जी को दोबारा वनवास दिलाया था। आज जब धोबी खत्म हो गया उसी समय भगवान कन्हैया कहने लगे अरे बलराम भैया, अरे मनसुख भैया, दामा अब कपड़ा पहनो जिन्हें जैसे अच्छे लगे। अब कपड़ा राजा के कभी पहने तो हते ना, ग्वाल वाल आते ना है? हुआ ये सभी ने उल्टे सीधे वस्त्र पहन ले के जामा का पैजामा माना और जामा सो पैजामा बना लिया। याद रखना उल्टे सीधे वस्त्र पहन करके आगे को बढ़े हैं। इधर दर्जी मिला है, उसने भगवान कन्हैया से कहा है ये वस्त्र अच्छे नहीं लग रहे तुम्हें, अगर तुम्हारी मेहरबानी हो जाए तो ये वस्त्र उतार दो, हम तुम्हें फिटिंग करके पहना दें। भाइयों दर्जी ने वस्त्र फिटिंग करके पहनाए हैं, भगवान ने आशीर्वाद दिया है घबराओ नहीं। एक ऐसा समय आएगा कलयुग में जितने का वस्त्र नहीं आएगा उससे ज्यादा आपको सिलाई मिलेगी। भाइयों आशीर्वाद देकर के भगवान योगी राज कृष्ण आगे को बढ़े, और जब आगे को बढ़े तो क्या देखा, कंस राज की दासी आ रही, दासी हाथ में चंदन का कटोरा है, और हाथ में जब चंदन का कटोरा है तो भगवान कन्हैया मन ही मन में सोचने लगे वाह भाई वाह, कंस राज की दासी आ रही हुँ? दासी, लेकिन वो दासी क्या थी, वो तो खून की अति प्यासी है? जैसे ही मनसुखा दामा ने देखा और भगवान कन्हैया
उस कोबिजा के पास में पहुंचे, कोबिजा के पास में, और जवाब दिया एक बात हमें जब बताओ, हम कंस राज के मेहमान हैं, और मेहमान ना है भांजे हैं, तुम जे कटोरा चंदन को ले जाती हो, तिलक करवे के लिए कहां जा रही, कहा हमारे तिलक ना करियो। कुबजा कहने लगी हाँ मैं तुम्हारे तिलक तो अवश्य करूंगा उसी समय, लेकिन वो कुबजा थी कैसी, मैं तो सिर्फ यही कहूंगा वो कुबजा कैसा रे कुरूप को जोड़ जा रही, और भाई ब्रह्मा जी ने सिल जा था तीन जगह सोटे, सारी सृष्टि को रच दिया रवि भैया, तो बाद में जो कूड़ा करकट बचा था बाकी बनाई थी कोबिजा, कोबिजा सारे कुरूप को जोड़ी जा रही, भाई ब्रह्मा जी ने सिल जा था तीन जगह सोटे, तीन जगह सोटे को विदा था, वो तीन जगह से तेरी और नाम नली को विदा था। कुबिजा भगवान कन्हैया कहने लगे जब बताओ हमारे तिलक ना करियो। कुबिजा कहने लगी हाँ तिलक तुम्हारे करूंगी। मन सका बोलो देख ले बलराम भैया, जाके हाथ खिचुए चना ना चबे जे तापे तिलक कराए रहो, देख रहा हूं अगर कोई सुंदर होती तो ठीक आती, लेकिन अब जब बताओ जब कुबिजा भला जाके माथे कैसे तिलक कर सकते, जा खुद ही चल ना पाते है माथे तक पहुंची ना पे। ए कन्हैया हाँ देख तिलक कराइए तू ही कराइए, हमारे ढेगा ना जा आ जाए। क्यों? जवाब दिया तुझे नहीं मालूम, जाके हाथ के छुए चना ना चबे जाए और तू बाहर से तिलक करवाए रहो। भगवान कन्हैया कहने लगे कोई ना कोई बात ना है मनसुख भैया, हम तिलक करवाए रहे तुम मत करवाओ। यानी भगवान कन्हैया ने कहा है कि कुबजा तुम हमारे तिलक करो, उसी समय तिलक करने के लिए तैयार भाई, लेकिन अब तिलक करें तो करें कैसे, उचक उचक के रह जाती, लेकिन भगवान कन्हैया के माथे तक ना पहुंच पाती। हाँ उसी समय देखा कि कुबजा बड़ी हैरान है, आज भगवान योगी राज कृष्ण आगे को बढ़े, दो उंगली का इशारा थोड़ी से लगाया और पैर पर पैर रखा, हुआ क्या? अरे होना क्या था कि मनमोहन का हाथ लगाते थी और वो कुबड़ी मिट छवि बान भई, फटी गया यकायक परदाता, फटी गया यकायक परदाता, वो दासी ने भी समा
जिस समय भगवान कन्हैया ने हाथ लगाया तो वह कुबड़ी से बड़ी सुंदर स्त्री बन गई। और भगवान कन्हैया कहने लगे अब हमारे तिलक करो। भगवान कन्हैया के तिलक कर दिया, उसी समय हुआ ये। मनसुखा कहने लगा कन्हैया तूने तो तिलक कराए लो जे सब पीछे घूमे आए। भगवान कन्हैया कहने लगे तू ही तो कह रहा था कि हम तिलक ना कराऊंगा। जवाब दिया तब जे अच्छी ना लगती, यानी भगवान कन्हैया ने सबके तिलक कराओ। जब मनसुखा के पास में जब कुबजा पहुंची और तिलक करवे के बाद में मनसुखा यानी ने वैसे चंचल स्वभाव का था तो जब तिलक किया तो कान से लग के मनसुखा बोलो वो कुबजा से क्या बोला ये बताओ। देखे भी मैं तो बड़ी सुंदर हो, जब बताओ तुम्हारी शादी हो गई या ना। और जो इतनी बात सुनी कुबजा ने तो सुन के मनसुख की पानी को और मेरे सम्मुख दुल्हा ठाड़ो है। यानी सबके तिलक करने के बाद भगवान योगी राज वहां पर पहुंचे हैं जहां पर 18 तार लंबा धनुष रखा था। भीड़ को चीरते हुए जिस समय भगवान योगी राज कृष्ण बलराम भैया 18 तार लंबा धनुष को तोड़ देते हैं, इधर पहरेदार दौड़े हैं भोजराज कंस से कहा है जिन्हें तुम बालक समझ रहे थे उन्होंने आकर के धनुष को तोड़ दिया। उसी समय कंसराज ने आदेश किया है अरे हमारे आदेश के लिए मत खड़े रहना, कन्हैया और बलराम के आते ही आते हम दोनों को जान से मार देना क्योंकि हम मरना नहीं चाहते। इधर धनुष को तोड़ने के बाद जब भगवान कन्हैया बाबा नंद के पास में पहुंचे और जब सुबह हुआ तब भोजराज कंस का वध करने के लिए आगे को बढ़े। आगे को जब बढ़े हैं उसी समय कंसराज ने जो हाथी उसके ससुर ने दिया था जरासंध ने कुबलिया पीड़ उसको खड़ा कर दिया है शराब पिला करके। वो जवाब दिया ऐसे अंदर नहीं आ पाएंगे, उनसे कह देना यार अंदर जाना चाहते हो तो हमारे हाथी से पहले ताकत को अजमा लीजिए उसके बाद अंदर जाना। जब शराब पिला करके खड़ा कर दिया है इधर भगवान कन्हैया और बलराम भैया सभी ग्वाल वालों को साथ लेकर के आगे को बढ़े हैं और वहीं पर पहुंच गए जहां पर वो पीलवान खड़ा हुआ था। और जैसे ही आगे को बढ़े तो पहरेदार ने रोक लिया ए, ये भेषभूषा बना करके तुम यहां आए हो, शायद तुम्हें एक बात नहीं मालूम है ये भोजराज कंस का शासन है, देख रहे हो ये हाथी खड़ा है अंदर ऐसे नहीं जा सकते हो, पहले इस हाथी से ताकत को अजमा लीजिए क्योंकि इसमें 10,000 हाथियों का बल है। उसी समय वो पहरेदार बोला कि 10,000 कि 10,000 हाथी की ताकत मेरे हाथी से अजमाओ। बोला वो पहरेदार 10,000
10,000 हाथियों का बल है, इससे पहले युद्ध करो उसके बाद अंदर जाओ, राजा का आदेश है। उसी समय भगवान कन्हैया कहने लगे, सुन मेरी बात, सुन ले, कि हम यद पंछी कहलाते हैं और कहते तो रंग दिखाई डाले, समय पीलवान ने हाथी से संकेत किया है। हाथी भगवान कन्हैया की तरफ दौड़ा है, भगवान कन्हैया ने ऐसा घूंसा दिया जो हाथी पीछे को बढ़ता हुआ चला गया, और जब हाथी पीछे को बढ़ा बलराम ने लात मार दी भगवान कन्हैया की तरफ। हाथी जब भागा है उसी समय हुआ कि आरे होना क्या था, आरे सूणी पकड़ की हाथी जब दे थी भगवान की लीला। आज भगवान कन्हैया ने उस हाथी को पछाड़ने के बाद आगे को बढ़े हैं, शंख और चारूड़ के पास में पहुंचे। शंख और चारूड़ सोचने लगे, भला भगवान से कैसे जीत सकता हूं, कैसे जीत सकता हूं, और कहने लगे ऐसे हम तुम्हें अंदर नहीं जाएंगे, अंदर ऐसे नहीं जाने देंगे, पहले हमसे ताकत आजमाओ, युद्ध करो। भगवान कन्हैया कहने लगे, सुन ले मेरी बात को। शंख नाम का यानी जो पहरेदार था वो भगवान कन्हैया के कान से लग के बोलो, कन्हैया यदि मैं तुम्हारे हाथों से मर गया तो भी हमारा उद्धार हो जाएगा, अगर मैंने तुमको मार दिया तो हमें राजा के यहां से इनाम मिलेगा, हमारी जीत ही जीत है। अंत में भाइयों पलस्त करते हुए भगवान योगी राज कृष्ण उस भोज राज कंस के पास में पहुंचे।
सिंहासन से भगवान योगी राज कृष्ण ने केस पकड़ के जब खींच लिया है कंस को, केस ही क्यों पकड़े, उसमें कारण था। जिस समय कंसराज अपनी बहन देवकी को रथ में बैठाल करके छोड़ने के लिए जा रहा था, जब आकाशवाणी हुई थी उसी समय भोजराज कंस ने अपनी बहन देवकी के केस ही पकड़ करके रथ से नीचे को खींचा था। आज भगवान योगी राज कृष्ण ने केस पकड़ करके कंसराज को नीचे को खींच लिया और बोले, अरे अभागे कंस, मेरी बात सुन ले। अरे बहादो की आधी राती जन्म आए जेलन में लियो, बोले भगवान कन्हैया, बोले भादे कंस, अरे बहादो की आधी राती जन्म आए जेलन में लियो, और तेरे दरस पिता ने आए को कुल में भिजवाए दियो, ओरे भागे कंस, आरे पांच दिना के बहे पूतना मारन को भेजी, अरे पांच दिना के बहे पूतना मारन को भेजी, और मोको मरबाए बे में मामा कसर नाए छोरी, अरे के जाने तुम्हारी नाए पति है, प्रियो निहार नमस्ते मामा मेरी है, भगवान कन्हैया ने जाकर के मथुरा में भोजराज कंस का वध किया है। बोलिए गोविंद भगवान की। और इधर अरे रवि भैया मेरे ने और ढोलक मधुर बजाई, और ग्राम नंदोरा काश बीरन सत्य रहे बदलाई, अरे सुंदर सूरत बाली उमरिया मैं फिल्म देती निहाई, सुंदर सूरत मोहनी मूरत मेरे हृदय में समाई, और मोहम्मदाबाद के पास गांव में सत्य रहे बदलाई,
जिम डब बैठो ये तो हिम्मत वालो। मैं सत्य धर्म से कह रहा हूँ है चामन नौरा पालो। और ध्रुव बेटा है आय किया पर सुंदर घड़ा बजाओ। बेटा मेरो भैया पास में है आओ। और ग्राम किसौली से भैया ने आए कि घड़ा खनकाओ। यानी जो घड़ा पर संगति कर रहे हैं राता श्री ध्रुव जो ग्राम किसौली के बसने वाले हैं तेरा जाकर के पास जिला कन्नौज के बसने वाले हैं। अरे सुंदर सूरत मोहनी मूरत मेरे हृदय में समाई। अरे सुंदर सूरत मोहनी मूरत मेरे हृदय में समाई। पंकज स्टूडियो की नई पेशकश दीवानी बन जाऊंगी। आहा